सब्सक्राइब कीजिए मैडर्स इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैटर इंग्लिश के एक व्यूअर हिमांशु ने यहाँ पर कमेंट किया है और हमसे पूछा है कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप इस वीडियो के अंदर देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। सो वीडियो के अंदर देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैटी, यू आर वॉचिंग मैडर्स इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है पैराग्राफ आप सभी के सामने और चलिए अब इसे ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। यार हम तो यहाँ रोज ही आते हैं लेकिन आप कभी दिखाई नहीं देते हो। मैन वी कम हियर एवरी डे बट यू नेवर शो अप। अब तक कहाँ थे आप, एक बार करके तो देख, पता चल जाएगा तुझे खुद। वेयर वर यू टिल नाउ, ट्राई वंस यू विल गेट इट बाय योरसेल्फ। मैं खुद तुझे फोन करूंगा अभी, ठीक है। I myself will call you right now, okay? भाई मुझे अभी कॉल मत कर, घर वाले सब सो गए हैं, सिर्फ मैं जागा हुआ हूँ। Brother, don't call me this time. All the family members have slept. Only I am awaking. मेरी आवाज़ से उठ जाएंगे वो, इसलिए फ़ोन मत कर अभी। They will wake up due to my voice, so don't call me this time. साले तो मुझे पहले कॉल नहीं कर सकता था क्या, आप अपने दोस्त को हमेशा बोलते होंगे। साले तो मुझे पहले कॉल नहीं कर सकता था क्या। हे कुडंट यू हैव कॉल्ड मी अर्लियर। फिर आप कहते हैं साले तो मुझे बाद में फोन नहीं कर सकता था क्या। हे कुडंट यू हैव कॉल्ड मी आफ्टर सम टाइम। अभी क्या जरूरत थी फोन करने की। व्हाट वॉज द नीड यू कॉल्ड मी दिस टाइम। अरे काम तो खुद भी कर सकता था यार। Hey, you could have done this work by yourself too. यार तू हर काम के लिए उसको क्यों कहता है, हाँ कर दो करके। हम कहते हैं ना कि ये काम करना है क्या, हाँ कर दो। तो इसमें यहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है कि तू हर काम को करने के लिए उससे हाँ क्यों कहता है कि हाँ तू कर दे। यार तू हर काम के लिए उसको क्यों कहता है हाँ कर दो करके, तेरे से कुछ नहीं होता है क्या। Dude, What do you ask him for everything? मतलब तुम हर काम के लिए उसको क्यों कहते हो। What do you ask him for everything? By saying him yes you do it, मतलब हाँ कर दो करके। ये काम तुम खुद नहीं कर सकते हो क्या, मतलब तेरे से कुछ नहीं होता है क्या। Can't you do anything? देखते हैं ऐसे एक फ्लो में, यार तू हर काम के लिए उसको क्यों कहता है हाँ कर दो करके, तेरे से कुछ नहीं होता है क्या। Dude, what do you ask him for everything? By saying him yes you do it. Can't you do anything? तू पैदा क्यों हुआ इस दुनिया में जब तेरे से कुछ होता ही नहीं है। तो साले तू धरती का बोझ है। Why are you on this earth if you cannot do anything? You are the burden on the earth. या फिर you are good for nothing, मतलब तू धरती का बोझ है। आप एक छोटे बच्चे से काम क्यों करवा रहे हो, क्या आप खुद नहीं कर सकते ये काम। Why are you getting work done by a child? Can't you do it by yourself? अगर ऐसा है तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। If this is the case, I will surely help you. तू फालतू में गया वहां, खाली तूने अपना समय बर्बाद किया वहां जाकर। You went there for nothing. You only wasted your time by going there. क्या मिला तुझे वहां जाकर, इससे अच्छा तो तू घर में रहता और पढ़ाई कर लेता। What did you get by going there? You had better stay at home and study. कम से कम कुछ याद तो हो जाता, कुछ सीख तो मिल जाती तुझे। At least you would have learned something and you would have learned a lesson too.
वो दिन दूर नहीं साले, एक दिन भीख मांगेगा तू मुझसे, देख लेना। द डे इज नॉट फार, वन डे यू विल बी बैगिंग, सी इट योरसेल्फ। तू अपने आप को होशियार समझ रहा है ना, लेकिन तू है नहीं। यू आर थिंकिंग योरसेल्फ क्लेवर बट यू आर नॉट। आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, रहोगे तो अपने पापा से छोटे ही, उनसे आप कभी बड़े नहीं बन सकते। नो मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, नो मैटर हाउ रिच पर्सन यू बिकम, यू विल रिमेन यंगर देन योर फादर, यू कैन नॉट बिकम सुपीरियर टू हिम। लड़की चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, जाना तो उसे ससुराल ही है एक ना एक दिन, होनी को कौन टाल सकता है। नो मैटर हाउ ओल्ड अ गर्ल इज, वन डे शी विल हैव टू गो टू लॉस होम, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। अबे तू विश्वास नहीं करेगा मेरी बात सुनकर, तुझे बताने से कोई फायदा ही नहीं है। यू विल नेवर बिलीव मी, इट इज यूजलेस टेलिंग यू। कहना ही नहीं मानता मेरा, जब मैंने तुझसे कहा कि वहां जा, गया तू साले। यू डिसऑन मी, या फिर यू डू नॉट ओबे मी, व्हेन आई टोल्ड यू टू गो देयर डिड यू गो। घर में बैठ गया था अकेले, साले कभी तो कोई काम खुद से कर ले। यू जस्ट सेट एट होम अलोन, डू समथिंग बाय योरसेल्फ। अपनी मम्मी की मदद किया करो यार, वो अकेले काम करती है पूरे घर का, आपको दया नहीं आती क्या उन पर कभी। यू मस्ट हेल्प योर मदर, शी डज द हाउस होल्ड वर्क अलोन, डोंट यू फील पिटी फॉर हर। आपको तो बस घर बैठे बैठे रोटी चाहिए, है ना भाई, कुछ भी कहो, रहेगा तो तू कमीना ही साले। ऑल यू नीड इज अ ब्रेड बाय सिटिंग एट होम, इजंट इट ब्रो, से व्हाटएवर, यू विल रिमेन अ टर्ड। यार तुम लड़के इतने शरारती क्यों होते हो, मैं यह देखना चाहता हूं कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है कुछ भी करने की। व्हाई आर यू गाइज सो नॉटी, आई वॉन्ट टू सी हाउ मच एबिलिटी I have to do anything। चल आज मैं भी देखता हूं कि तू कितने dips मारता है। Let's see how many dips you hit today। या फिर let's see how many dips you do today। So इस तरह से आपको sentences को translate करना है। मैं आपको एक better way बताता हूं इन्हें translate करने का। आप भी इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। बस आपको टेंस, पैसिव वॉइस और मोडल्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसके बाद आप हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस कोई सा भी टीवी सीरियल चालू कर लीजिए। मुझे उस टाइम ट्रांसलेट करने के हिसाब से सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता था साथ निभाना साथिया, क्योंकि उसमें एक से एक वर्ड यूज़ होते थे और मैंने ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर लेता था। जो वर्ड्स मुझसे नहीं बनते थे उन्हें डिक्शनरी में चेक करके मैं याद कर लेता था और अगली बार उसका सेंटेंस में बना लेता था। तो आपको इसी तरह से काम करना है, बस टेंस, पैसिव वॉइस और मोडल्स को याद कर लीजिए, उसके बाद आप हर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे सेंटेंसेस है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।